हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गया है सुबह का 7:45 और बेटू जा चुके हैं स्कूल और बेटू के पापा भी जा चुके हैं क्योंकि उनको आज थोड़ा बाहर जाना था तो वो भी जा चुके हैं। और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी, एक तो आज 6 बजे जगी, जब तो टाइम से गई थी बट बहुत इनका व्रत का भी बनाना था, बेटू के लिए भी टिफिन तैयार करना था और आज बेटू के स्कूल में पूल पार्टी है तो पता नहीं मतलब क्यों इतना परेशान हो रहा था। बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, रोना लगा। तो उसको मनाने करने में बहुत टाइम लग गया और आज मैंने उसको टिफिन में इडली सैंडविच बना के दिया है। तो मैंने उसको बोल के भेजा है, मैं उसके सामने मैम को झूठा मूठा कॉल किया कि मतलब ठीक है मैं मैम को बोल देती हूँ कि तुमको पढ़ाई कराएंगी, केवल पूल में नहीं लेके जाएंगी। अभी मतलब बच्चे वहाँ जाने के लिए खुश होते हैं कि यार पूल पार्टी है तो एक्साइटेड होके जाते हैं, पर पता नहीं इसका क्या है। पर देखना, आएगा तो बहुत मस्ती करके आएगा, मैं आपको इसके फोटो भी दिखाऊंगी। बट ऐसा ही है, उसको अपना जो एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, कंफर्टेबल वाली, उसको बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है यार स्कूल गए, पढ़ाई की, घर आ गए, जितना खेला कूदा ओके। ये थोड़ा लिंक से हटके कुछ हो रहा है कि अरे पूल पार्टी है, तो वो उसको थोड़ा सा, हालांकि उसको घर पे पीछे लगा है कि चलो वाटर पार्क चलो, वाटर पार्क चलो, पर स्कूल में वैसे ही बच्चा है, कोई बात नहीं अभी चला गया है। अभी बस ये मेरी चाय है, बस चाय पीते हैं फिर बाकी काम करते हैं क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल गई है। जल्दी जल्दी काम करने में बहुत ज़्यादा फैल गई है तो किचन सही करनी है और बहुत सारे काम हो जाते। पेड़ों को पानी नहीं दिया, पेड़ों को पानी डालना है। चलिए फिर जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, पहले चाय फिनिश करती हूँ उसके बाद ये सारे काम करती हूँ, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे बेटू आ गए हैं स्कूल से। तो आज तो तुम्हारे सामने ही गए थे ना पापा, तुमने लभी भी बोला था। मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, शाम को आ जाएंगे। चलो अच्छा ये तो बताओ क्या क्या किया। पूल में गया और चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर बात करेंगे। चलो चलो ऊपर चलो, अरे चलो जल्दी, 1 2 3 रन। हाँ देखते कौन जीतेगा, जल्दी जल्दी फास्ट। अरे और ऊपर जाना है अभी तो अपन को। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। अच्छा अभी बताओ क्या क्या हुआ स्कूल में। पूल पार्टी एंड कलर। पूल पार्टी और कलर, तो अच्छे से बोलो ना, तुम बड़े हो गए। पूल पार्टी और कलर अच्छा कौन बोलते हैं। तुम तो बोल रहे थे मैं नहीं जाऊंगा पूल पार्टी में। अंदर गया, पानी के अंदर। मजा आया? कितना मजा आया, बहुत सारा कि थोड़ा सा। नहीं, और एक बच्चा ना यूनिफॉर्म पहन के आया था, सब बच्चे ये वाले कपड़े पहन के आए थे अलग अलग, फिर एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आ गया बस। हाँ जी, तो अभी बेटू आ गए हैं स्कूल से और उन्होंने खा पी भी लिया है और आज नहाने का दिक्कत था नहीं क्योंकि वो पूल पार्टी में नहा के आए हैं। और इस सुबह जाने के लिए कितना परेशान कर रहा था कि मतलब नहीं जाना है, मैं मेरे को नहीं मतलब मुझे मत भेजो, बहुत रो रहा था फिर। पर अभी मैं उसकी वीडियो वगैरह आपको शेयर करूँगी ना, इतनी मस्ती की है उसने, बहुत मस्ती। अभी उसका फ्रेंड आ गया है तो उसके साथ खेल रहा है। ये रूम है, इसमें एक बेड ऐसे डाला हुआ है और एक बेड ऐसे डाला हुआ है, मींस ये एल शेप में डाला हुआ है हमने। देखिए ये ऐसे डाला हुआ है, एक बेड ऐसे डाला हुआ है, एक बेड ऐसे डाला हुआ है, तो ये एल शेप में है। यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है और ये इनका, ये मैं पेंसिल बॉक्स लेके आई थी उस दिन बस वाला, देखो उसके साथ ये लोग खेल रहे हैं बच्चे भी ना। यहाँ पे चल रही है इन लोग की पूल पार्टी, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। काश हमारे स्कूल में भी ऐसे पार्टियाँ होती सही में। आजकल कितनी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को। यहाँ पे रखी हुई है हमारी ये वेइंग मशीन, चलो वेट भी कर लेते हैं।
काफी दिन से किया नहीं है। एक बार और करते हैं। एक्चुअली वन टाइम में सही से आता नहीं है। 50.4 ही है। मैं पता है जब भी वेट करती हूँ ना, फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार अभी ये वीक ना मैं बिल्कुल कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी पीऊंगी और शुगर नहीं लूंगी, थोड़ा सा 1 किलो तो कम हो जाए। मतलब मुझे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 48 होना चाहिए, या 48 से थोड़ा बहुत कम भी हो तो चल जाएगा, 48 तो होना ही चाहिए। पर ये 2 kg ना मेरे को बहुत अखरता है। वो दो तुम्हारा फ्रेंड गया? नहीं गया। फिर कहाँ है? ताप? चलो अब अंदर चलो, नीनू करेंगे थोड़ी देर, ठीक है? अब नहीं, अब चलो अंदर, 3 o'clock होने वाला है। हाँ जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं अभी सो के जग गई हूँ और बिट्टू भी सो रहे हैं। अभी चलो थोड़ा सा ये बिट्टू के टॉयज वगैरह पड़े हुए हैं, बस इनको हटाते हैं और शाम की झाड़ू लगा देते हैं, फिर बेटू को जगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या है। कल जब मैं वो वाला रूम सही कर रही थी तब मेरे को ये जो क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये जो साइकिल में बास्केट लगी रहती है आगे, साइकिल में जो बास्केट लगी रहती है आगे वो मिली। ये बेटू के साइकिल की बास्केट है और जब बेटू साइकिल आई थी तो जब चलाना सीख रहा था तो होता क्या था ना कि साइकिल बार बार गिरती थी, तो फिर ये बास्केट हमने निकाल दी थी कि मतलब साइकिल गिरती है तो टूट बास्केट भी टूट जाएगी, तो ये बास्केट निकाली, तो ये तब से लगाई ही नहीं है, तो ये बास्केट ऐसे ही रखी हुई है और नई भी है। तो मैं ये सोच रही थी इसका क्या कर सकते हैं, तो अभी मेरे दिमाग में कुछ आया कि इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना आइडिया बताती हूँ कि मैंने इसका क्या सोचा है, और अगर आपके दिमाग में इसका कोई अच्छा आइडिया हो तो वो बताना। मेरा आइडिया आप देख लीजिए और अपना आइडिया प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसका क्या और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी बास्केट है और हमने ये एक डोरी ली हुई है, इसमें जो ये होल दिए हुए हैं उसमें से हम डोरी के दोनों के छोरों को निकाल देंगे। ये ऐसे दोनों किनारे हैं, उसको हम दोनों होल में से निकालेंगे। ये इस तरीके से हम फिर डोरी के दोनों किनारों को बराबर करके और ये डोरी को इधर से निकाल लेंगे, इसलिए इस तरह से एक नोट बन जाएगी। यहाँ पे मैं ये किचन की विंडो में इसको बांध रही हूँ एकदम कॉर्नर पे ऊपर। ये देखिए ये हमारी बास्केट लग गई है, इस तरीके से हमारी बास्केट लग गई है। हमारे पास ये मनी प्लांट का एक पेड़ है, पॉट है, वो उसमें रखने का सोच रही हूँ, जो बास्केट है साइकिल की उसमें रखने का सोच रही हूँ। हाँ जी, तो बताइए ये कैसा लग रहा है, और ये किचन में लगाना ठीक लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए प्लीज़ कमेंट करके, अदरवाइज फिर मैं इसको हटा दूँगी। मैं अपने घर पर भी पूछूंगी, इनसे आएंगे शाम को तो फिर पूछूंगी कैसा लग रहा है, अगर उनको नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं हटा दूंगी, क्योंकि मेरे को तो मेरी चीज़ अच्छी ही लगेगी ना। यहाँ पे मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। एक्चुअली पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेली पैदल पैदल मार्केट जा रही हूँ, हमेशा इनके साथ ही जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे को बेटू का बैग सही करवाना था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बैग वाले शॉप पे, और ये अंकल बेटू का बैग सही कर रहे हैं, और अंकल ने इतनी जल्दी फटाफट से चट चट किया और बैग सही हो गया। अभी मेरे को एक पूजा की शॉप ढूंढनी थी जिसमें से मुझे कंडे लेने थे भगवान जी की पूजा के लिए, हवन के लिए कंडे लेने थे, तो अभी ये मेरे को दुकान मिली, वो भी गूगल पर सर्च करके मिली, जबकि मैं पता है दुकान के थोड़ा सा बाहर ही खड़ी हुई थी। अभी वहाँ से मैंने कंडे लेने के बाद मैं घर जा रही हूँ वापस, और ये है हमारी गली, और ये है हमारा गेट, और ये है हमारे बेटू। चलो चलो ऊपर में कुछ लाई हूँ। कुछ तो लेके आई है मम्मा। क्या है? आइसक्रीम? चम्मच मैं दे रही हूँ घर से, इसके साथ नहीं दी है उन्हें। दो दो। हाँ, एक दीवीस को दे दो, एक तुम खा लो। अरे खा लो, खा लेते हैं थोड़ी सी, मैं नहीं बताऊंगी खा तुम्हारी मम्मी को। अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। जी तो कैसा लग रहा है मेरा ये प्लांट यहाँ पे, और अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ, अब बच्चों को आइसक्रीम वगैरह भी खिला दी है,
और अब एक्चुअली आज नवरात्रि है और आज माता को मालपुए का भोग लगेगा, तो बस मैं माता के लिए मालपुआ बनाती हूँ, उसकी थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम मालपुए बनाने के लिए गुड़ ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे ज़्यादा मालपुए बनाने नहीं है, बस प्रसाद के लिए 4-5 बनाने हैं छोटे छोटे। तो ये हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, पानी गर्म करने रख दे रहे हैं तो गुड़ जल्दी घुल जाएगा। यहाँ पे हम ये पानी थोड़ा सा बॉईल करने रख दे रहे हैं, बॉईल नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना करना है। इसको हम ये गुड़ के अंदर डाल देंगे, इस पानी को बस इसको ऐसे मेल्ट कर लेंगे। और जब तक ये गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम बेटू के लिए मैं आज खिचड़ी बनाने वाली हूँ, इसको खिचड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमारे दाल चावल मिक्स कर दिए, अब इसको बस धुल के गैस पे चढ़ा देते हैं, नहीं थोड़ी देर भिगा के रखते हैं, 15-20 मिनट इसको भिगा के रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको चढ़ाएंगे। जो भी ना ये देखिए, हम इसमें आटा मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, लम्स तो वैसे इसमें नहीं है एक भी, पर फिर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। यहाँ पे हम थोड़ा सा गाय का घी लेंगे, इसको सिंपली हम चमचे में लेके और इसको एक बार में ऐसे पूरा गिरा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे मैंने डाल दिए हैं 4 पुए डाले हुए और ये बन गए हैं हमारे मालपुए प्रसाद के लिए। चलो अभी मैं जल्दी से फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन गई है और बेटी को दे देते हैं खिचड़ी। ये है मेरी खिचड़ी और मैंने इसमें दही लिया हुआ है साथ में, बेटू दही खाता नहीं है तो उसके लिए प्लेन खिचड़ी है तड़के वाली। हाँ जी, तो अभी बज गया है रात का 11 और हम लोग अब बस सोने जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटू। तो सभी को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सभी को गुड नाइट, बाय बाय।